उन लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, छात्रों को उनका जो मूलभूत सुविधाएं है नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इसका आंदोलन करते रहेंगे। किसी को छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति नीतीश कुमार ने बद से बदतर कर दिया है, और इसको हम लोग जब तक नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, अभी कोरोना का संकट झेल रहा है, पूरा दुनिया झेल रहा है। इस कोरोना के संकट में आप बस का किराया मांगिएगा, 2 महीना स्कूल बंद है, पढ़ाई हो नहीं रहा, ट्यूशन फी भी आपको नहीं लेना चाहिए, फी भी माफ़ करना चाहिए, और आप ऊपर से बस का किराया मांग रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं रंजीत कुमार। आज भारतीय सब लोग पार्टी के युवा अध्यक्ष प्रिंस जी हैं, इनके बारे में, स्कूल के बारे में इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्कूल के बारे में इनके पास जांच कमेटी बैठी है इस हफ्ते में, क्या सर? हाँ, ये बिशप स्कॉट स्कूल का मामला है, गर्ल्स स्कूल जगनपुरा में स्थित है। उन लोगों ने पेरेंट्स के साथ मारपीट किया है, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। मेन उसमें बात यह था कि उन लोगों पेरेंट्स लोग गए थे, फीस को लेके बात हुआ था, तो फीस में बताया गया कि जो बस चली नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कोई मिली नहीं थी, फिर भी बस का किराया मांगा जा रहा था। तो इन लोगों ने विरोध किया था गार्जियन ने, तो गार्जियन के साथ मारापीटी हुआ था। तो स्कूल लेके हम लोगों ने स्कूल का घेराव किया है, और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था 1-2 दिन पहले, और डेली हम लोग मुहिम चला रहे हैं उसके विरोध में। तो उसको लेकर अभी बिहार सरकार ने कल शाम में जांच कमेटी बैठाई है उसके, इस स्कूल के विरोध में जांच करने के लिए। सारे स्कूल का भी तो इसी रवैया से है, बस का किराया भी मांगा जा रहा है, जो कोरोना के लेकर एक जनता से बहुत तबाह है, बच्चे भी तबाह रहे हैं, स्कूल भी नहीं आ रहे थे लोग। देखिए, अभी कोरोना का संकट झेल रहा है, पूरा दुनिया झेल रहा है। इस कोरोना के संकट में आप बस का किराया मांगिएगा, 2 महीना स्कूल बंद है, पढ़ाई हो नहीं रहा, ट्यूशन फी भी आपको नहीं लेना चाहिए, फी भी माफ़ करना चाहिए, और आप ऊपर से बस का किराया मांग रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। आवाम के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, जो बिहार के शिक्षा माफिया हैं ये, और यहाँ के जो प्रशासन है वो भी मिली भगत है इसमें। तो इसको लेकर ये लोग चाहते हैं, गुंडा पाल रखे हैं स्कूल में, जो मारपीट करते हैं अभिभावकों के साथ मारपीट करते हैं। जब अभिभावकों के साथ स्कूल ही मारपीट करेगा तो शिक्षा क्या देगा, आप ही सोचिए। तो इसके लिए आपके पार्टी की तरफ से क्या मुहिम हमेशा जो चलाया जा रहा है? हम लोगों ने स्कूल का घेराव किया था, हम लोगों ने स्कूल में जाकर प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने पुतला दहन किया, हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया जाकर। तो उसके बाद जब 2-3 दिन लगातार हम लोगों ने ऐसा किया, उसके बाद जाकर कल वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई कि शाम में जाँच कमेटी बैठी है, तो जाँच कमेटी बैठाई गई है स्कूल के खिलाफ। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जाँच पूरा हो पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इसमें धन कुबेर मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ वो लोग करेंगे हैं। आप लोग से शिक्षा मंत्री से इसके लेकर बातचीत हुई थी पहले? नहीं, शिक्षा मंत्री से बातचीत नहीं हुई थी, डीएम का ऑर्डर ही आया था, डीएम का ऑर्डर आया हुआ था कि जब तक स्कूल लॉकडाउन में आप नहीं मांग सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी फीस नहीं मांग सकते हैं, वो तो सीधा नहीं देना, जब हुआ ही नहीं है तो आप कैसे दीजिएगा। ऊपर से फीस माफ़ी का भी आया हुआ है कि जबरदस्ती फीस नहीं मांग सकते हैं, फिर भी इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती फीस मांगा जा रहा है। बाकी जैसे लोग कहा जा रहा है, जन आप लोग जो पार्टी है, जो अध्यक्ष जी है, जिसको लेकर लगातार जो मुहिम चला रहे हैं, मुहिम को लेकर आम जनता में या जो स्कूल में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उन पर प्रभावित है, लोग से मिले जुले हैं उनके गार्जियन? अभी उनके साथ मारपीट हुआ है, उनसे मिले आप? अभी क्या हुआ है, हम लोगों के साथ गार्जियन भी थे, हम लोग जो स्कूल का घेराव किए हैं उस दिन गार्जियन भी मौजूद थे वहाँ पर। और अभी आज के डेट में, आज सुबह ही हम लोग पार्टी ऑफिस कार्यालय में बैठे हुए थे, तो दूसरे स्कूल के ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल है, उसके भी गार्जियन हमारे पास आए हुए थे, बोल रहे कि हमारे स्कूल में भी ऐसा हो रहा है। एक ही स्कूल का नहीं है, बहुत स्कूल में, पटना में हो रहा है, मतलब प्राइवेट स्कूलों में, सारी प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। ये शिक्षा माफिया इसमें इन्वॉल्व है, वही ये सब करवा रहे हैं। तो आपके पार्टी की तरफ से यह स्टैंड क्लियर है, लिया जा रहा है कि ताकि इस जो 2 से 3 महीना के बीच में जितने भी स्कूल बंद रहे हैं, ये सारा का बस और स्कूल फी माफ़ होना चाहिए। हम लोगों ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि जब तक उन लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, छात्रों को उनका जो मूलभूत सुविधाएं है नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इसका आंदोलन करते रहेंगे। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूल में कोई सुविधाएँ नहीं दी है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इनको, गार्जियन लोग को, वो लोग पढ़ा नहीं सकते हैं सरकारी स्कूल में, तो वो जाकर एडमिशन करवाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने से क्या हो रहा है कि वो लोग अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। अरे, पढ़ाई हुआ ही नहीं, 2 महीना लॉकडाउन है, फिर भी फीस मांग रहे हो,
तो ये तो नाइंसाफी है ना। जैसे जो प्राइवेट स्कूल में अक्सर जो सेशन बदलने के बाद जो किताब बदली कर दिया जाता है, इस पर भी आप लोग पार्टी की तरफ से? हाँ, ये देखिए हर तरह का नया नया एजेंडा है वो लोग का, पैसा उगाही करने का, शिक्षा को ये लोग पैसा उगाही करने का धंधा बना लिए हैं जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं। उनका अपना सिलेबस का अपना किताब भी होता है, अपना कॉपी भी वो लोग छपवाते हैं, सारा वहीं से लेना है आपको, आप वहीं से खरीदिए, वहीं से कैसे भी करके पैसा हमको मिले। तो सब लोग पार्टी इसी एजेंडा पर काम कर रही है। हाँ, और जब तक ये बंद नहीं होगा, और अभी जांच कमेटी बैठी है, जांच कमेटी अगर सही जांच नहीं करती है फिर भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये अभी पटना स्तर पर हो रहा है, ये पूरा बिहार स्तर पर हर जिला में हमारा आंदोलन अभी चलेगा। ये लोग हम साथ बैठने वाले नहीं हैं। अभी हम जितने स्कूल हैं हम चिट्ठा निकलवा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और सारे स्कूल को हम घेरने का काम करेंगे, किसी को छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। क्योंकि शिक्षा की स्थिति नीतीश कुमार ने बद से बदतर कर दिया है, और इसको हम लोग जब तक नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिहार के तमाम स्कूलों को आपको घेरने की तैयारी चल रही है? आपको बिहार के तमाम स्कूलों के जो प्राइवेट स्कूल है, संस्थाएँ, उनको घेरने की आपकी तैयारी है? जी, हम लोग अगर बस फीस माफ नहीं होता है, स्कूल फीस माफ नहीं होता है, तो सारा स्कूल आपको घेराबंदी करेंगे, आंदोलन करेंगे? नहीं नहीं, देखिए डीएम का जब ऑर्डर आया हुआ है तो आपको डीएम का घेराव करेंगे? डीएम हम मुख्यमंत्री आवास से घेराव करेंगे? जब डीएम का ऑर्डर आया हुआ है तो फिर क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? डीएम का ऑर्डर आया हुआ है कि आप 2 महीना तक फीस नहीं ले सकते हैं, 2 महीना आप अगर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो उसका फी लीजिए आप, लेकिन जब से दे रहे हैं तब से लीजिए। स्कूल में बस का सुविधा आप दे रहे हैं तो लीजिए, अभी तो सुविधा कहाँ दे रहे हैं, 2 महीना से लॉकडाउन है, वो चल ही नहीं रहा है, तो सुविधा कहाँ से? बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।